जुड़े साथ काम करेगा। आपके पास टीम का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। डायमंड क्लब कौन करते हैं, 2500 कौन करते हैं, 1500 बीवी कौन करते हैं, न्यू ज्वाइनिंग कितनी हो रही है, वाइटल बोनस अचीवर कितने लोग हैं, आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। जिस दिन आंकड़े आपके सामने हैं, आपको ग्रोथ कराने में कोई देर नहीं लगेगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमें यही नहीं पता हमारी टीम में ज्वाइनिंग किसने कर ली है। अरे भैया, कंपनी ने स्मार्ट रिपोर्ट दे रखी है, पूरे दिन भर इधर उधर के गाने सुनने की बजाय कभी कभी उसको भी देख लो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने मोबाइल को दिन में 4 घंटे यूज नहीं करता होगा, एंड्रॉइड मोबाइल। दूसरा काम, महीने के शुरू में ही टारगेट बनाएं, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें और टीम में डिवाइड करें। यदि लखनलाल जी 20 डायमंड क्लब बनाने हैं तो टीम के साथ आपको काउंसलिंग करनी है। अपने आप अपलाइन से कीजिए और आप फिर जिनकी अपलाइन है उनका आप काउंसलिंग कीजिए और उनको टारगेट दीजिए। टारगेट के चेक पॉइंट बनेंगे। ये जो तारीख है ना, ये मेरा 18 साल का अनुभव है। 19 तारीख की रात के 12 बजे जो बिजनेस होता है वो आपका बिजनेस क्लोज कर देना, डबल होगा उससे। आप जाके सो जाना, फिर भी डबल होगा। आप एक दिन भी मीटिंग मत करना, फिर भी डबल होगा, क्योंकि ये आपके ऑटो गियर पे हो जाता है बिजनेस। क्लोजिंग हमेशा महीने की लास्ट डे से एक दिन पहले करें, अपने आप काम हो जाएगा पूरा। टीम में टॉप 5 का चयन करें और उनके टॉप 5 तैयार करें। यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपको यदि ग्रोथ करनी है तो आपकी टीम के दिमाग में, 5 लोगों के दिमाग में माइंड सेट ये कराना पड़ेगा कि आप अगले 1.5 साल में क्या बनने वाले हैं। ये माइंडसेट आपको अपनी टीम में डालना पड़ेगा। कैसे होगा ये मैं बताता हूं अभी एक मिनट में। हर मंथली सेमिनार ट्रेनिंग में रहें। यदि अगले 6 महीने में एक भी सेमिनार में और ट्रेनिंग में मिस रहे, ग्रोथ नहीं होने वाली है। ये मैं सोच रहा हूं, एक से क्या फर्क पड़ेगा, एक से बहुत फर्क पड़ेगा, पिंचेज नहीं होगी तुम्हारी। एमराल्ड और स्टार एमराल्ड में चेक में 1 लाख का अंतर है। डेली मंथली शेड्यूल बनाकर काम करें। ये जो TCG अलार्म डायरी की बात कर रहे हैं ना, वो यही है। जिसने अपने रजिस्टर पे 1 से 30 तक की डेट और काम लिखे हुए हैं, उसका बिजनेस रुकने वाला नहीं है। डेली आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, कहां वीकली मीटिंग करनी है, कहां मंथली मीटिंग करनी है, कहां सेमिनार करना है, कहां ट्रेनिंग करनी है, कहां नई ज्वाइनिंग को सेट करना है, कहां क्या करना है, सब कुछ। ये नहीं आ रही है बस। हेलो हेलो, ये सोने डेली मंथली शेड्यूल बनाकर काम करें। डेली और मंथली पता होना चाहिए आपको कहां जा रहे हैं। ये जो पॉइंट नंबर 4 है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या कमाल कर सकता है। बस यही रहने, क्या कमाल कर सकता है देखना। मैंने इसको चैट विद सुरेंद्र वत्स से लिया है और मैंने इसको कई जगह यूज किया है। इसको मैं बोलता हूं टीम 25। क्या नाम है इसका? टीम 25। चैट विद सुरेंद्र वत्स में पलवल के एक आए थे मिस्टर मलिक, उनसे ये मनोज मलिक, उनसे मैंने ये वर्ड लिया था और उनका 3-4 बार मैंने स्टडी किया कि कोई भी व्यक्ति यदि रियल मायने में डुप्लीकेशन करना चाहता है तो यू यहां से शुरू होगा। आप डायमंड क्लब कीजिए। आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम करने वाली नहीं है।
और उसके बाद आपने 5 लोगों को सेलेक्ट करके डायमंड क्लब कराना है। यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी बी लेग में 5 डायमंड क्लब नहीं है, ये काम आपका पूरा हो चुका है। ये कोई ऐसा व्यक्ति बुलाया ही नहीं हमने जिसकी बी लेग में 5 नहीं है। यदि 5 नहीं है तो आपको सोचने की जरूरत है इसमें आने से पहले कि आप टेक्निकल अचीवर बनने वाले हैं, तो आपको 5 डायमंड क्लब आपको फटाफट बी लेग में करने होंगे, वरना टेक्निकल अचीवर 1 साल में बन नहीं पाएंगे। तो यहां पे हैं आपके। अब बात आती है टीम 25 में बताया था कि अपने 5 लोगों को सेलेक्ट करें और इनके साथ काम करें, और इनके साथ काम करने का मतलब है अगले 6 महीने में इनके 25 डायमंड क्लब कराएं, 5 से 5 5। और उसके बाद यहां हो गया 125। जब 3 सही के निशान हो गए उसके बाद आप 8% रॉयल्टी पे हो जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति इंडिया में नहीं मिलेगा जिसकी टीम में 125 लोग डायमंड क्लब में होंगे, ए और बी में, और 8% में नहीं होगा। 125 को यदि 5000 पीवी से बात करेंगे तो ये करीब होता है 6,25,000 का बिजनेस रहता है। लेकिन डायमंड क्लब का मालूम है रेशियो, डायमंड क्लब का रेशियो होता है 10,000 के ऊपर एक डायमंड क्लब मिलेगा। आप अपनी टीम का वॉल्यूम निकाल लेना, यदि 1,00,000 का वॉल्यूम है ना आपका तो 8 डायमंड क्लब लेंगे आप, 40% डायमंड क्लब मिलता है, तो ये आपका बिजनेस 10,00,000 तक भी जा सकता है। केवल ये 3 स्टेप पूरा करा दो, उसके बाद आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद आपका काम नहीं करता, उसके बाद सिस्टम काम करना शुरू करता है। आपका काम कहां तक है? आपका काम इस थर्ड स्टेज पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसका 3 पिलर 3 डेप्थ फुल है, वो कभी भी इनकम से वंचित नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे यू, ये नरेश कुमार जी हैं, ये नरेश कुमार जी हैं, ठीक है जी। ये नरेश जी की 2 लेग है, 1 लेग में सुनील शर्मा जी हैं, और यहां सुनील शर्मा जी के साथ जगदीश कबीरा जी हैं, और फिर लखनलाल जी हैं। तो ये तो फुल है, फुल चल रहा है। दूसरी लेग में यहां पे सुरदीप जी हैं, सुरदीप चौहान, उसके बाद यहां पे मुकेश कुमार जी हैं, ये बैठे हैं इसलिए नाम ले रहा हूं इनका, और इसके नीचे एक और बंदा है। यदि ये 3 बंदे 8% पे है, ये तीनों लोग 1% पे हैं, नरेश जी फ्री हो जाएंगे। इधर भी 8% 3 और इधर भी 8%, आपका बिजनेस ऑटोगेयर में आ जाएगा। जब तक 8% 3 नहीं होंगे, 3 तक ऑटोगेयर में नहीं है, नीचे आएगा बिजनेस। एक और एग्जांपल लीजिए, मेरे सबसे चहेते मित्र की बात बताता हूं, आजकल वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इसलिए उनकी बात बता रहा हूं। प्रताप राव जी हैं यहां पे, 1 लेग में नवनीत है, नवनीत के नीचे यहां पे एक व्यक्ति है कर्मवीर जी, दूसरा भी है नेपाल, राकेश जी भी होंगे बीच में, लेकिन यहां पे देखिए एक मनु है यहां पे, एक यहां पे दूसरी वो लेडी है, क्या नाम है, सबिता सरदार। सबिता सरदार और ये 2 मनु, ठीक है, जिस दिन ये तीनों 8% पे हो गए, आपसे बिजली के खंभे पे रहो चाहे घर के खंभे पे रहो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बिजनेस हो जाएगा। कोई भी लीडर यहां पे बैठा हुआ, जिस दिन आपकी दोनों लेग में 8% हो गई, ये राजपाल सैनी जी हैं यहां पे, यहां पे है एक बंदा विजय कुमार, रॉयल्टी अचीवर है, ये राहुल देव है, रॉयल्टी अचीवर है, ये विजय लक्ष्मी है, रॉयल्टी अचीवर है, यहां भी 2-3 लोग हैं, लेकिन ये रॉयल्टी अचीवर हैं, 3%, 5%, 6%, 3%, 4.5%, 6%। जिस दिन ये 8% रॉयल्टी अचीवर हो गए, राजपाल जी की बल्ले बल्ले हो जाए। बात समझ रहे हैं? वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल विल बिल्ड आवर बिजनेस।
आज जिसकी भी लैग में तीन तीन लोग 8% में है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका 50,000 से नीचे इनकम हो। एक व्यक्ति मुझे बता दो जिसके 8% है और 50,000 की इनकम नहीं आ रही है। क्यों भाई आगे वालों? ठीक है ना, 50 से प्लस आ रही है। अरे भाई इनको ही तो बनाना है, और इनको बनाने का फॉर्मूला आपको बता ही दिया, एक बार ओपन कर दो। 325 टॉप 5 नरेश जी का ये पेट डायलाइन है, पेट डायलॉग है, टॉप 5 को तैयार करो। इन्होंने सुना सुना है बस उससे, लेकिन उसको नीचे करवाना है। सबने नोट कर लिया? लागू करेंगे राकेश जी? महीने में एक बार डायरी को देखेंगे? चलो एक वीक में एक बार देख लेंगे ना। एक वीक में एक बार यदि देख लेंगे तो आपका बिजनेस आपको रिमाइंड कराए। कई लोगों को तो ये ही नहीं पता काम कैसे करना है, मैं तो लिख के दे रहा हूं काम ऐसे करना। यदि मैं आज यहां पे कंफर्टेबल हूं तो आधे इधर वाले और आधे इधर वाले लगे हुए हैं काम करने में, कंपटीशन है। उधर आशीष जी का कंपटीशन है, इधर सुनील शर्मा का, कौन पहले स्टार रूबी बनता है? लगे मैं बोलता हूं जल्दी जल्दी स्टार रूबी बनो यार तुम दोनों। और इनको स्टार रूबी बनाने के लिए मैं मिशन टेक्निकल पे लगाऊं कि आप जिस नीचे ये इंजन के इंजन जोड़ने के लिए, क्योंकि इस बिजनेस की एक ही टेक्निक है, जब तक आप नीचे वाले को ऊपर नहीं लाओगे आप ऊपर नहीं बढ़ पाओ। मैंने शुरू किया था एक टोटल बिजनेस माइंडसेट का। आज अपने दिमाग में ये बात पक्की भर लो कि मुझे टीम तैयार करनी है। आज हो सकता है कि आपके पास ओपनर की संख्या एक ही हो, जिस दिन 5 ओपनर हो गए फ्री, 5 ए में और 5 बी में आप फ्री। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके 5 ओपनर ए में और 5 बी में हो, 50,000 नहीं आ रहा, मिल ही नहीं सकता कोई। आप देख लो, अपना कैलकुलेशन करके देख लो, 5 ओपनर ए में और 5 बी में। और आज ओपनर बनने के लिए लोग तैयार हैं क्योंकि बोनस चाहिए उनको, ये सर नो, तो उनको बनाना पड़ेगा। करेंगे दोस्तों, काम करने से ही होगा। केवल बात करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। और यदि हमने इसको फॉलो किया तो हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। हमें बताया गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम तो 3 ही करने पड़ते हैं, खरीदना, बेचना और जोड़ना। लेकिन बेचने को हमने खत्म कर दिया है। बेचने का नाम मैं बताता हूं, खरीदना, दूसरा ग्राहक बनाना, बेचना मत बोलो उसे, ग्राहक बनाना बस। यदि आपने 4-5 ग्राहक बना लिए परमानेंट, बस हो गया काम। वही ग्राहक तीसरा काम कर देंगे अपने आप जुड़े। कोई परमानेंट ग्राहक 1 साल से आपको नहीं मिलेगा। यदि गामा ओरिजिनल लगातार ले रहा है, एक दिन पूछेगा भाई तेरे को क्या बच रहा है इसमें। कोई हेल्थ गार्ड का केन हमेशा ले रहा है, एक दिन पूछेगा कि यार इसमें क्या चक्कर है। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, सब समझते हैं हर चीज,